बॉलीवुड मूवीज में बने साउथ मूवीज के रिमेक्स जो कि हिट साबित हुए थे। नंबर वन, दृश्यम। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम मलयालम फिल्म दृश्यम की ही रीमेक है। ये फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है जो क्रिटिक्स और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। नंबर टू, कबीर सिंह। कबीर सिंह साउथ इंडियन फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक थी। शाहिद कपूर ने इस फिल्म में मेन रोल निभाया था जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। ये एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। नंबर थ्री, सिम्बा। रणवीर सिंह की सिम्बा फिल्म साउथ की टेम्पर की ही रीमेक है। इस फिल्म में रणवीर सिंह की लोगों ने जमकर तारीफ की थी और ये मूवी रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की थी। नंबर फोर, गजनी। आमिर खान की गजनी मूवी भी इस लिस्ट में शामिल है। ये मूवी तमिल फिल्म का ही हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में आमिर खान के साथ असीन लीड रोल में नजर आई थी। असीन को इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। नंबर फाइव, वॉन्टेड। वॉन्टेड एक ऐसी फिल्म थी जिसने सलमान खान के करियर को डूबने से बचाया था। ये मूवी साउथ में आई पॉकरी का हिंदी रीमेक थी। वैसे दोस्तों, आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देखी हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।